हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जो आपके इस प्लांट की सभी नीड को पूरी कर देगा। तो उस फर्टिलाइजर का नाम है जीवामृत। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है जीवामृत जो कि बहुत यूजफुल है हमारे प्लांट्स के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जीवामृत आखिर है क्या चीज। तो जो जीवामृत है वो दरअसल गोबर और गौमूत्र और गुड़ का मिश्रण बनाया जाता है जो कि हमारे सारे पौधों के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसे वैसे तो खेती के लिए यूज किया जाता है। जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, बिना जीवामृत के ऑर्गेनिक खेती पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए जीवामृत का वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। मगर हम इसको अपने प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। ये आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देता है, क्योंकि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे हमारी जो सॉइल होती है की जो फर्टिलिटी होती है खत्म हो जाती है, क्योंकि केमिकल की वजह से उसमें जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मरने लग जाते हैं केमिकल फर्टिलिटी की फर्टिलाइजर की वजह से। इसके अलावा इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें फॉस्फोरस होता है और इसमें पोटेशियम भी होता है। एनपीके हम बाहर से यूज करते हैं उसमें ये एनपीके होता है, ऑर्गेनिक एनपीके होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें जो होती है वो इसमें जो होता है नाइट्रोजन, वो स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन होता है। जो जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें जो हम यूरिया वगैरह होता है फास्ट रिलीजिंग होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की रूट्स को और उसकी लीव्स को गला देता है। मगर इसमें स्लो रिलीजिंग होता है तो हमारे प्लांट्स को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। इसका आप लिक्विड स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हम लिक्विड स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने इसको छान के लिक्विड बना रखा है जिससे हम इसका स्प्रे भी करते हैं। और इसके स्प्रे से एक और फायदे, एक तो हमारी लीव्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसके अलावा इसके हम रेगुलर स्प्रे करते रहेंगे तो हमारे जो प्लांट्स में पेस्ट वगैरह लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे, क्योंकि जो गौमूत्र की स्मेल होती है वो ये पेस्ट वगैरह को पसंद नहीं है, इसलिए पेस्ट इसके आसपास भी नहीं आते हैं। अगर इसे आप गार्डन बेड में इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बढ़ेंगे ही, साथ ही जो अर्थवर्म वो भी इंक्रीज होगा। अर्थवर्म आएंगे तो उससे आपके रूट्स का जो एरिएशन सिस्टम होता है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो अर्थवर्म होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है फिर उसके बाद दोबारा नीचे चले जाता है। जो हमारे रूट्स को ऑक्सीजन होती है वो भी अच्छी मिल जाती है, और उसके अलावा अर्थवर्म क्या है कि हमारी सॉइल को खाता है तो फर्टिलिटी बढ़ाता है। उसके अलावा जो हमारी सॉइल को जो है भुरभुरी भी करता है, जिससे हमारा रूट्स अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा, रूट की स्प्रेड अच्छी हो पाएगी। तो चलिए अब मैं आपको इसके बनाने की विधि बताता हूँ। वैसे तो इसे 200 जो भी मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ वो दरअसल 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसमें बनाई जाती है, मगर मेरे पास 200 लीटर वाला ड्रम नहीं है तो मैंने 20 लीटर की बाल्टी में ही बनाया है। तो जब ये पूरा बन जाएगा मैं इसे इसमें से थोड़ा निकाल के उसमें वाटर डाल दूंगा। मैं इसे 200 लीटर के आसपास ही बनाऊंगा, क्योंकि ये 200 लीटर वाली क्वांटिटी में इसमें ले रहा हूँ। अगर आपके पास भी 200 लीटर वाला ड्रम नहीं है तो जैसे मैं बताऊँ आप भी वैसे कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बनाने की विधि बताता हूँ। इसके लिए जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आपको सबसे पहले लेना है वो आपको लेना है देसी गाय का गोबर। जो गोबर होना चाहिए वो करीबन एक हफ्ता पुराना होना चाहिए, आप फ्रेश गोबर नहीं लीजिए, करीबन एक हफ्ता पुराना होना चाहिए तभी लीजिए। ये मैंने यहाँ पर 5 किलो के आसपास लिया है, और 5 लीटर के आसपास ही मैंने यहाँ पर देसी गाय का गौमूत्र लिया है यहाँ पर। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर 0.5 किलोग्राम मैंने यहाँ पर जो गुड़ है उसको अच्छे से मैंने घोल लिया है पानी में, ये 0.5 किलोग्राम गुड़ है। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर जो लिए है, यहाँ पर मैंने मिट्टी लिए। आपको मिट्टी लेने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, आपको कहीं से भी मिट्टी नहीं उठानी है। आपको ये बरगद के पेड़ की मिट्टी लेनी है या पीपल के पेड़ की मिट्टी ले लीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर फ्रेंडली बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने बेसन लिया है। इसके अलावा आप कोई और दाल का अगर आपको मिले आटा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी लिया है घोलने के लिए। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने बकेट में मिट्टी डाल दी थी, तो पहले हम मिट्टी को ही घोल लेते हैं। हम मिट्टी में थोड़ा देखिए पानी डालेंगे इसमें आराम से, और इसे हमें थोड़ा अच्छे से घोल लेना है। देखिए इस तरीके के आपको पत्थर वगैरह अगर मिलेंगे तो आपको इन्हें साइड कर देना है, आपको खाली मिट्टी ही लेनी है। यहाँ पर मिट्टी है वो अच्छे से घुल चुकी है। उसके बाद हम इसमें गोबर ऐड करेंगे, पर मैं इसमें गोबर ऐड कर रहा हूँ। गोबर हो गया इसमें ऐड, इसके बाद हम इसके ऊपर गौमूत्र डालेंगे। इसके बाद आपको ये डंडे की सहायता से
इसे अच्छे से घुमाना है और घोटना है। आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है थोड़ा थिक हो गया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा एक मग, देखिए आप यहाँ पर मैं एक मग इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे दोबारा घोटूंगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं इसे दोबारा घोट लिया है और अब टाइम आ गया हमारा इसमें जो हमने अपना गुड़ का बना के रखा था, ये अब हमें गुड़ डाल देना है इसमें। देखिए थोड़ा सा बचे हैं तो इसको भी हम ऐसे ही डाल देंगे, इसमें अच्छे से घुल जाएगा। इसको आपको फिर और दोबारा घोटना है अभी। लाए थे इसको हम ऐड कर देंगे थोड़ा। तो बेसन हमारा ऐड हो गया है, हम इसको घोटेंगे। तो फ्रेंड्स इसे काफ़ी घुमाने के बाद हम जिसको जितना घोल सकते थे हमने उतना घोल दिया है। बाकी आप देख सकते हैं साइड में अभी भी इसमें थोड़ा ये बेसन बचा है, ये खुद ही कुछ दिनों में खुद ही घुल जाएगा, क्योंकि अभी इसे हमें हर दिन इसे सुबह शाम दोबारा चलाना है। करीबन 50 बार इसे हम हर दिन घुमाएंगे सुबह शाम, तभी हमारा 7 दिन बाद तैयार होगा। तो फ्रेंड अभी हमने इसे अच्छे से घुमा दिया है, उसके बाद इसे हम इसे डंडे को निकाल देंगे, इसे रखेंगे साइड में, बकेट में बनाएंगे। आपके पास उसका ढक्कन होना चाहिए, अगर आपके पास उसका ढक्कन नहीं है तो आप उसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ बारिश नहीं आती हो, या उसके अलावा आप इसके ऊपर शेड नेट डालिए। आप इसे थोड़ा छाया में रखिए, आप इसे डायरेक्ट धूप वाली जगह में मत रखिए। मैं इसे अब साइड में रखूँगा, उसके बाद फिर मैं इसे शाम को दोबारा ऐसे घुमाऊँगा 50 बार। इसी तरीके से मैं इसे हर दिन 7 दिन तक इसी तरीके से घुमाते रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख सकते हैं इसमें हमने जो अमृत जल बनाया था उसको आज हमारे 7 दिन हो गए हैं और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूँगा। मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ, देखिए कितने इजीली ये घूम रहा है, क्योंकि अभी जो उसका गोबर है वो पूरी अच्छी तरीके से सड़ चुका है और ये पूरी लिक्विड फॉर्म में आ चुका है एक तरीके से। मगर ये काफ़ी अभी थिक है क्योंकि ये दरअसल जो मैंने आपको उसकी क्वांटिटी बताई थी वो दरअसल 200 लीटर की टंकी में बनाने की क्वांटिटी थी, मगर मेरे पास 200 लीटर का टप है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें अपने 20 लीटर के बकेट में बनाया था। तो फ्रेंड्स अब इसको पौधों में डालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक और 20 लीटर की बाल्टी लेंगे और हम जो अमृत जल है इसमें से हम 2 मग दूसरी बाल्टी में डालेंगे और उसमें हम पूरा वाटर फिल कर देंगे, जिससे जो है हमारी कंसिस्टेंसी वो एकदम बढ़िया आ जाएगी हमारे प्लांट्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे बकेट में डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 मग के करीब यहाँ पर ही अमृत जल इसमें डाला है, अब हम इसको पूरा वाटर से फिल कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पानी से पूरा फिल कर लिया है, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आपको ना ज़्यादा थिक रखना है ना ज़्यादा और पानी डालना है, आपको इतना ही इसमें रखना है। तो मैंने कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है जिसे हम सीताफल कहते हैं, अब हम इसके ऊपर ये अमृत जल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी जड़ पर डालूंगा, देखिए आप मेरे पास मग बड़ा है तो मैं इसमें 1.5 मग डालूंगा, आपके पास छोटे मग हैं तो आप 2 मग भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं अब ये सारे प्लांट्स में डालूंगा, ये मेरे एरिका पाम का प्लांट है इसमें भी मैं डालूंगा। मैं यहाँ पर 1/2 मग डालूंगा, यहाँ पे देखिए जितना ऊपर तक फिल हो गया। और ये मेरे तुलसी का प्लांट है इसमें भी देखिए 1/2 मग डालूंगा। ये 8 इंच का पॉट है तो अपने पॉट के साइज से ही इसकी क्वान्टिटी डाल सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी थोड़ा ये अमृत जल यूज़ कराया तो हमारा थोड़ा कम हो गया है, तो अभी हम इतना यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास हम इसको खेती के लिए यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, हम खाली अपने गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इतना हमारा इकट्ठे यूज़ होगा नहीं, इसलिए हम इसको स्टोर कर देंगे। स्टोर आप इसको 6 महीने के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसे और एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा गौमूत्र और लिया है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगा ताकि ये जो है वो और पावरफुल बन जाए, क्योंकि अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा गौमूत्र और ऐड कर देंगे अभी, जिससे क्या होगा इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाएगी और जो इसमें बैक्टीरियल प्रोसेस है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसको फिर हम इस डंडे की मदद से अच्छे से घुमा लेंगे ताकि जो हमारा गौमूत्र अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप जब भी गौमूत्र लें वो आपका 7 या 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए अगर आपको फ्रेशली मिल जाए 1-2 दिन का तो ज़्यादा अच्छा है, मगर अगर आप थोड़ा आपके पास नहीं हो पाता, आप धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 10 दिन तक ही वो स्टोर कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसमें अच्छे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं धीरे धीरे मरने लग जाते हैं।
और फ्रेंड्स मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे कि आप इसको स्टोर कर रहे हैं तो आप सोचेंगे खराब हो जाएगा धीरे धीरे, मगर ये ऐसा नहीं है। ये जितना ज्यादा पुराना होते जाएगा उतने ही इसमें अच्छी बैक्टीरिया हमारे डेवलप हो पाएंगे और उतना ही अच्छी खाद हमारे प्लांट्स के लिए बनेगा। मगर इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 6 महीने तक ही है, उससे ज्यादा आप इसको स्टोर मत कीजिए, फिर उसके बाद एक खराब होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स, आपको ये बताना था कि जीवामृत क्या है, उसके यूज क्या है और उसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।